हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स लेसन एट द सॉन्ग फ्रॉम द हेवन बाय लेट्स स्टडी विद श्वेता सक्सेना। सो चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी गिव यू सम डिटेल्स ऑफ द चैप्टर। ये जो सॉन्ग है, सॉन्ग फ्रॉम द हेवन, एक्चुअली एक कैरल है। कैरल होता है जैसे कि एक रिलीजियस सॉन्ग, हम उसको जैसे अपनी लैंग्वेज में भजन कह सकते हैं। सो ऐसा ही एक भजन है जो कि पूरे ये क्रिश्चियंस का है, पर ये क्रिश्चियंस की एक क्रिसमस पोयम है, एक कैरल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये सॉन्ग कैसे लिखा गया, उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या सर्कमस्टेंसेस बने जिससे कि ये कैरल लिखी गई जो कि इतनी पॉपुलर कैरल है। क्रिसमस के टाइम पे हर जगह ये कैरल गाई जाती है। सो वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस इन आवर चैप्टर द सॉन्ग फ्रॉम द हेवन। इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी स्टूडेंट्स। So in a small village in Austria, a priest was inspired to write a simple Christmas poem. Austria की कहानी है फॉरन की। एक priest था, means एक पुजारी था। ये पुजारी है father, जो कि father होते हैं चर्च में रहने वाले, जो white dress पहनते हैं। तो वो कैसे inspire हुए कि उन्होंने एक simple सी Christmas poem लिखी। The poem became a song. वो पोयम एक सॉन्ग की रूप में फेमस हुई एंड द सॉन्ग अ कैरल। मैंने आपको बताया जैसे हम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं एक तरीके का भजन, ऐसे ही एक फेमस कैरल बन गई। इवेंचुअली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और धीरे धीरे वो सारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। रीड अबाउट हाउ अ फ्यू लाइन्स पेन मीन्स पेन के द्वारा लिखी हुई विद डिवोशन भक्ति से ब्रॉट जॉय टू द मिलियंस ऑफ पीपल एंड बिकेम द मोस्ट फेमस क्रिसमस सॉन्ग इन द वर्ल्ड। किस तरह वो लिखी गई, क्या उसके पीछे सर्कमस्टेंसेस थे, वो सिंपल से भक्ति भरी हुए मन से कुछ वर्ड्स पेन डाउन करे गए और वो बन गया क्रिसमस सॉन्ग इन द वर्ल्ड, नोन एज द सॉन्ग फ्रॉम द हेवन। वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रू स्टोरी। फादर जोसेफ मोर सेट इन हिज स्टडी प्रिपेयरिंग फॉर द स्पेशल क्रिसमस ईव। अब मैं आपको पहले सीन बता देती हूँ। सीन क्या है कि फादर जोसेफ मोर हैं, वो अपने रूम में बैठे हुए हैं, क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं, सब तरफ क्रिसमस का माहौल है, क्रिसमस आने वाली है। जैसे हमारे इंडिया में जस्ट दिवाली आने वाली होती है तो सब तरफ वो डेकोरेशन सा हो जाता है, लाइट्स लग जाती हैं, डेकोरेटिव मटीरियल मिलने लगता है, तो फेस्टिव सीज़न हो जाता है। फेस्टिव मीन्स जैसे कि हवा में ही वो फेस्टिव थीम फैल जाती है, तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन है, क्रिसमस आने वाली है। फादर जोसेफ जो है, जोसेफ मोर अपने रूम में बैठे हैं और वो कोई एक कुछ लिखने की तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस के लिए। द ईयर वॉज 1818 की बात है। ऑन दिस क्रिसमस ईव द एयर वॉज पर्टिकुलरली फेस्टिव। जैसे कि मैंने बताया दिवाली ईव पर हमारी सारी तरफ की आबो हवा बिल्कुल दिवाली के रंग में रंगी होती है, ऐसे ही उनके यहाँ क्रिसमस बहुत अच्छे से मनता है, तो क्रिसमस में सारी एयर में फैली हुई है क्रिसमस की है। फादर मोर ओपन्ड हिज बाइबल, बाइबल है होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, टू प्रिपेयर हिज सरमन। सरमन माने स्पीच, जो कि वो बोलेंगे बाइबल से लेकर, कुछ ऐसे वर्ड्स इंपॉर्टेंट कोट्स वो निकाल रहे हैं जो कि वो क्रिसमस वाले दिन चर्च में बोलेंगे। एंड ट्रीट अबाउट द स्पेशल नाइट, और ऐसे करते करते वो उस रात के बारे में पढ़ने लगे, वो स्पेशल रात के बारे में। When an extraordinary baby was born to ordinary parents in a little manger. अब आपको पता है जो क्रिश्चियंस होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं जीसस क्राइस्ट की। जीसस क्राइस्ट एक बहुत ही ऑर्डिनरी से बेबी थे जो कि एक ऑर्डिनरी से पेरेंट्स के यहाँ बॉर्न हुए थे, लेकिन एक्चुअली वो गॉड थे। तो गॉड उनके एक ऑर्डिनरी पेरेंट के यहाँ बॉर्न हुए थे, एक छोटे से आप बोल सकते हो एक छोटा सा डिब्बा टाइप का, जैसे कि जिसमें गाय भैंस बकरी या स्टेबल यार्ड में खाना खाने के लिए जो घोड़ों के लिए रखा जाता है, इस तरीके का एक डिब्बा आप इमेजिन करो, तो इसमें जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन है, और फादर मोर जो हैं वो बाइबल में ये सीन इस समय पढ़ रहे हैं। जस्ट एज ही हैड फिनिश्ड रीडिंग ही हर्ड अ नॉक, अ पीजेंट वुमेन स्टूड एट द डोर। अब वो ये सब सीन पढ़ रहे हैं, इसी समय उनके दरवाजे पे कुछ खटखटाहट होती है, कोई नॉक करता है, एक पीजेंट होते लेबर क्लास, बहुत गरीब वाले जो लोग होते हैं, बिल्कुल लोअर डाउन वो वाली क्लास की एक वुमेन उनके दरवाजे पे खड़ी है। वट कैन आई डू फॉर यू, फादर मोहर आस्ट। फादर मोहर ने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स नॉट फॉर मी फादर, सेट द वुमेन, बट फॉर द बेबी बॉर्न अ वाइल अगो टू सम पीजेंट्स।
मेरे को कुछ नहीं चाहिए फादर, बट मैं आपको लेने आई हूँ एक बेबी के लिए जो कि अभी अभी बॉर्न हुआ है सिंपल से पीजेंट फैमिली में, तो मैं उसके लिए आपको बुलाने आई हूँ। द पेरेंट्स आर कीन दैट यू सी द चाइल्ड एंड ब्लेस इट। उसके पेरेंट्स चाहते हैं आप वहाँ पे जाओ और उसको ब्लेसिंग दो बच्चे को। जैसे हमारे यहाँ होता है भाई बेबी बॉर्न हुआ तो कभी कभी पंडित को बुला लेते हैं कि वो कुछ उनका नामकरण करते, कुछ शुद्धि वुद्धि करते हैं, तो ऐसा ही उनके यहाँ एक बेबी हुआ है तो फादर को बुलाया है। आई हैव कम टू टेक यू देयर, मैं आपको वहाँ लेने के लिए आई हूँ। फादर मोहर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। अब फादर मोहर थोड़े से सरप्राइज हो गए। क्यों सरप्राइज हो गए? बिकॉज इस समय वो वही सीन पढ़ रहे थे कि किसी के यहाँ बेबी हुआ है बहुत ऑर्डिनरी सी फैमिली में, और एट वंस उनके गेट पे कोई आता है और बोलता है एक ऑर्डिनरी फैमिली में एक बेबी बॉर्न हुआ है तो उसके लिए आप चलिए। श्योरली इट कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस। अब उन्हें लग रहा है ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, लगता है भगवान की कुछ इच्छा थी, मुझे जो मैंने पढ़ा वही मुझको लाइव अब दिख रहा है। एज ही रिसीव दिस न्यूज़ ऑफ दिस बेबी जस्ट वेन ही वॉज रीडिंग अबाउट द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, जब वो क्राइस्ट के बर्थ के बारे में पढ़ रहे थे उसी समय उन्हें एक किसी बेबी के बॉर्न होने की खबर आ गई। ऑफ कोर्स फादर मोहर सेड टू द वुमेन। फादर मोहर ने भी कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। व्हेन फादर मोहर रीच द पीजेंट्स हट ही सॉ यंग मदर क्रैडलिंग हर इन्फेंट लविंगली। क्रैडलिंग मीन्स अपने हाथों के, या तो हाथों में बेबी को ले रखा है या फिर बराबर में एक पालना रखा हुआ है, पालने में बेबी को लिठा रखा है, उसको प्यार से पुचकार रही है लविंगली। इन्फेंट है जो छोटा बेबी बॉर्न हुआ है, मदर इज क्रैडलिंग हर। क्रैडलिंग होता है पालने में लिटाकर प्यार करना। कई बार वो ऐसा भी हो सकता है कि उसे बाहों में भी झुला रही हो, ये भी आप फील कर सकते हैं। व्हाट अ ब्लेस्ड डे दिस इज फादर। अब पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनका एक बेबी बॉर्न हुआ है, और वो कह रहे हैं, मम्मा बोलती है कि व्हाट अ ब्लेस्ड डे, कितना अच्छा दिन है आज। सेट द मदर स्माइलिंग डाउन हैप्पीली एट हर बेबी, अपने बेबी को देखते हुए मम्मा बोलती है। फादर मोहर नोडिट, नोडिट होता है गर्दन को हिलाना, एंड उसने मींस फादर मोहर ने सर हिलाकर ऐसे कहा, एंड सेट अ साइलेंट प्रेयर फॉर द इन्फेंट, और उस छोटे बच्चे के लिए कुछ मंत्र पढ़े। On his way back home, Father Mohar kept replaying the events of the evening this mind. अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, आपको पता क्या हुआ था? क्या वो रिप्ले कर रहे थे अपने माइंड में? वो ये रिप्ले कर रहे थे माइंड में जो कि सारा सीन उनके साथ हुआ, कि बाइबल में भी जब वो पढ़ रहे थे, बाइबल में एक बेबी बॉर्न हुआ एक सिंपल सी फैमिली में, और उन्होंने इतने में ही दरवाजे पर देखा कि कोई उनको बुलाने आया हुआ है कि एक फैमिली में एक बेबी बॉर्न हुआ है, घर जाके उन्होंने बेबी को ब्लेस किया। सो ये सारा इवेंट उनके दिमाग में चल रहा है। बच्चों मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस इज द रीज़न दैट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही डेवलप्ड और ही पेन डाउन द फेमस सॉन्ग फ्रॉम द हेवन। यही सब सीन उनके दिमाग में बार बार चल रहा है, इसी की वजह से उनके दिमाग में वो थॉट्स आए जिसकी वजह से उन्होंने सॉन्ग फ्रॉम द हेवन लिखा। ही couldn't forget the scene of the infant lying in his mother's arm. वो एक प्यारा सा सीन जब मम्मी की बाहों में वो बच्चा लेटा हुआ था वो भुला नहीं पा रहे। All around him preparations were underway for the midnight mass as the village celebrated the birth of the Christ. और जब वो लौट रहे हैं उन्होंने क्या देखा कि आधी रात में पूरे विलेज के लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत जोश से भरे हुए हैं क्योंकि बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट का भी बर्थ होने वाला है। जैसे मैंने बोला था आपको कि ये क्रिसमस ईव थी, तो जो सीन वो लौटते हुए देख रहे हैं बहुत खुशी में सीन है, सब तरफ बहुत ही तैयारियां चल रही हैं बिकॉज क्रिसमस का टाइम आ चुका है और ये टाइम है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। लेटर दैट नाइट फादर मोहर डिसाइडेड टू राइट डाउन व्हाट हैड हैपेंड इन हिज डायरी। अब वो इस सीन से इतने इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि जो भी मेरे साथ हुआ आज मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। एज ही स्टार्टेड राइडिंग द वर्ड सीम टू हैव अ विल ऑफ देयर ओन। ऐसा लग रहा था कुछ जादू सा उनके ऊपर हो गया है और वर्ड्स जो है अपने आप इतने ब्यूटीफुल उनके पेन से निकल रहे हैं। क्वाइट नेचुरली हिज लाइन्स फ्लोड इनटू ब्यूटीफुल वर्ड्स, और प्यारी प्यारी सी पंक्तियाँ उन्होंने कुछ लिख दी। जैसे पोएम में राइमिंग वर्ड्स के साथ लाइंस होती हैं तो वो अपने आप नेचुरली बन गई। व्हेन ही स्टॉप्ड फादर मोहर फाउंड दैट ही हैड कंपोज्ड अ पोएम, और जैसे उन्होंने अपना पेन रोका उन्होंने पाया कि उन्होंने लिखते लिखते एक बहुत ही प्यारी सी कविता बना दी है। और वो क्या लिख रहे थे? वही जो सीन उन्होंने देखा और वही जो सीन वो बाइबल में पढ़ रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन क्रिसमस डे द म्यूजिक टीचर ऑफ द विलेज स्कूल
फ्रेंड जेवर ग्रूबर केम टू विजिट फादर. अगले दिन क्रिसमस का जो दिन था तो म्यूजिक टीचर जो थे विलेज के, जिनका नेम था फ्रेंड्स जेवर ग्रूबर, आप इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपकी मैम पूछ सकती हैं, तो वो फादर मोहर से मिलने आए. किस्मत होती है, क्रिसमस होती है, सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, तो ऐसे ही ये भी आए. व्हेन ही रेड द पोयम ही टुक आउट हिज गिटार एंड कंपोज अ ट्यून टू मैच द वर्ड्स. अब जैसे ही फादर ने अपनी पोयम उन्हें पढ़ के सुनाई, उस म्यूजिक टीचर ने अपना गिटार निकाला और फटाफट कुछ ट्यून बना दी जिससे वो उस पोयम के ऊपर सूट करने लगी. द पोयम ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ लवली सॉन्ग. और जो पोयम है वो एक प्यारे सॉन्ग के रूप में बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई. क्यों? क्योंकि उसमें म्यूजिक भी ऐड हो गया था. म्यूजिक ऐड होने की वजह से ट्रांसफॉर्म माने कन्वर्ट हो गई एक लवली सॉन्ग में. फादर मोहर एंड फ्रेंड्स ग्रूबर डिसाइडेड टू सिंग द सॉन्ग एट द चर्च. उन्होंने सोचा अब इतना अच्छा सा तैयार हो गया है तो आज इसे चर्च में भी गाएंगे. दे सैंग एड टू द accompaniment of friends Gruber's guitar as church organ was out of the order. अच्छा, उन्होंने accompany माने किसी चीज़ के साथ, उन्होंने ये सब perform किया गिटार के साथ, जो क्योंकि जो चर्च का जो इंस्ट्रूमेंट था जो म्यूज़िक के लिए यूज़ होता था वो थोड़ा ख़राब हो चुका था, वो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था. तो फादर ने गाया और उस बंदे ने बजाया, ग्रूबर ने बजाया. द congregation, congregation होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल हुए हैं चर्च में, किसके लिए? क्रिसमस के लिए. एट द चर्च लव द सॉन्ग, बहुत ही अच्छा लगा उन्हें सबको, जो भी वहाँ पे लोग एकत्रित हुए हुए थे, बहुत मज़ा आया. दे हम द सॉन्ग, हम माने गुनगुनाना, वो लोग वो सॉन्ग गुनगुनाने लगे. अलॉन्ग एंड वर डीपली मूव बाय द वर्ड्स द सॉन्ग हैड बिगन टू स्प्रेड इट्स मैजिक. अब वो जो सॉन्ग था वो इतना प्यारा लगा कि लोग भी उसको गुनगुनाने लगे, सब लोगों में वो ही सारे फैलने लगी और हवा में वो म्यूज़िक फैल गया. बड़ा प्यारा सा मनमोहक सा वो म्यूज़िक था.